दिल्ली के टिकट के लिए बीजेपी में बहुत बड़ी फाइट। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 28 लोगों के नाम, आप बताइए क्या करें। बांसुरी स्वराज और वीरेंद्र सचदेवा को टिकट, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 3 मौजूदा सांसदों का पत्ता कट सकता है, मतलब इस बार उनको शायद मौका ना दिया जाए। बीजेपी आलाकमान के पास दिल्ली की 7 सीटों के लिए 28 लोगों के नाम भेजे गए हैं। इसमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का टिकट फाइनल माना जा रहा है, मतलब हो गया समझो। जबकि 3 मौजूदा सांसदों का पत्ता कटने की अटकलें तेज हैं। हिमांशु तिवारी बने हुए हमारे साथ। हिमांशु, जरा दिल्ली का अपडेट बताइए, दिल्ली में क्या जो खबर आ रही है, क्या वो सही है, क्या अटकलें बताइए। देखिए, दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और 7 में से लगभग 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट बदल सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसमें यदि हम जो सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो चांदनी चौक की एक सीट है जिसमें नया प्रत्याशी दिया जा सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाद पूर्वी दिल्ली की यदि बात करें, गौतम गंभीर वाली सीट, वहाँ पर जो है शायद कैंडिडेट बदला जा सकता है या गौतम गंभीर को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही जो हंसराज हंस वाली सीट है वहां पर भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है किसी और को नया चेहरा बना सकती है। और ये भी जानकारी मिल रही कि हो सकता है कि किसी दलित महिला को वहां से पार्टी मैदान में उतारे, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट अपने।